मनुष्य सुख चाहता है और सुख के लिए ही कर्म करता है, परंतु फिर भी ये दुखी क्यों रहता है? थोड़ी थोड़ी बात से मनुष्य का मन दुखी हो जाता है और छोटी सी बात से मन प्रसन्न भी हो जाता है। मन बहुत कोमल है, संत कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख उनका संग छोड़ता नहीं, दुख पीछे ही लगा रहता है। हर कार्य मनुष्य सुख के लिए करता है लेकिन उसमें भी दुख मिलता है। हर कार्य तुम लाभ के लिए करते हो उसमें भी हानि हो जाती है। कितने लोग कहते हैं जिस कार्य में हाथ डालता हूं उसमें घाटे में चला जाता हूं। कितने लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं होती है, और कितने महात्मा भी बरकत ही बांटते रहते हैं फिर भी लोगों के यहां बरकत पूरी होती नहीं। कितने लोग कहते हैं पैसा आता तो बहुत है पर रुकता नहीं है, न जाने कहां चला जाता है। अलग अलग सबके दुख हैं। कितने लोग कहते हैं बहुत सोच विचार कर खाता हूं फिर भी बीमार हो जाता हूं, कुछ भी खाता हूं सूट ही नहीं करता है, शाम को ठीक दिखाई देता हूं सुबह बीमार हो जाता हूं। घर के लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, बीमार नहीं है, नखरा करता है, और मुझे बहुत तकलीफ है। बीमारियां भी ऐसी ऐसी हैं, तुम बीमारियां भी सबसे कह नहीं सकते हो, दवाई करने से भी ठीक नहीं होती है। नाना प्रकार के दुखों से दुखी जीव आधि व्याधि और उपाधि। आधि का मतलब होता है मानसिक दुख, व्याधि का मतलब है शरीर की बीमारी से दुख, उपाधि का मतलब है सब ठीक ठाक चल रहा है अचानक कोई बाधा आ गई। फसल बहुत अच्छी थी एकदम ओले गिर गए, ये उपाधि आ गई। शाम तक खुश थे कि चना अच्छा है, धना अच्छा है, गेहूं अच्छा है, रात में ओले गिरे, सुबह सब बुरा हो गया, दुख शुरू हो गया। इसका नाम उपाधि है। तुमने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी, किसी ने ला करके तुम्हारी गाड़ी में अपनी गाड़ी टकरा दी, तुम्हारी गाड़ी कूच गई, अब ये उपाधि आ गई। तुम कहते हो मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी तो ठीक जगह खड़ी थी, पर न जाने कौन पागल आया मेरी गाड़ी तोड़ के चला गया। तरह तरह के दुखों से तुम्हारी जिंदगी घिरी हुई है। फिर बिचारक कहते हैं कि अनुकूल वेद नियम सुखम
प्रतिकूल वेद नियम दुखों का। जहां जहां तुमको अनुकूलता मिलती है वहां वहां तुम सुख मान लेते हो, और जहां जहां प्रतिकूलता लगती है वहां वहां तुम दुख मान लेते हो। परंतु ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता रहता है, मौसम भी बदलते हैं, समय बदलता है, वक्त बदलता है, सामान बदलता है, शासन प्रशासन बदलता है, अफसर बदलते हैं, नेता मिनिस्टर बदलते हैं, लोगों के स्वभाव भी बदलते हैं। आप जिस स्त्री के साथ शादी करते हैं, जो तुम्हारी पत्नी बनती है, और जो पुरुष तुम्हारा पति बनता है, तो जिस समय शादी करते हो उस समय जैसी तुम्हारी पत्नी थी, जैसा तुम्हारा पति था, एक साल बाद वो बदल जाते हैं। उनका शरीर भी बदल जाता है, चेहरा भी बदल जाता है, ओंठें भी बदल जाती हैं, स्वभाव बदल जाता है, बोली बदल जाती है, आचरण भी बदल जाते हैं। तब तुमको बहुत दुख होता है कि वैसे ही रहती तो ठीक था। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, तू तो धीरे धीरे डोकरी हो गई। तो पत्नी ने कहा, कब तक छोकरी रहूंगी, आखिर 7 बच्चों की मां बन गई, अब डोकरी तो होने होने। 7 छोकरी छोकरा हो चुके, फिर भी हमको छोकरी देखना चाहते, अब डोकरी तो रहूंगी। पति चाहता है मेरी पत्नी वैसी ही उम्र में बनी रहे, लेकिन जगत के परिवर्तन चक्र में हर चीज बदलती हुई नजर आती है। जो लोग बचपन में तुमको बहुत प्रेम करते थे, वही लोग जब जवान हो जाते हैं तो तुम्हारे पास बैठते नहीं, और जो लोग बचपन में तुम्हारे पास बैठते नहीं थे, जवान होने पर वे तुम्हारे पास आकर बैठते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। बुढ़ापे में फिर तुमसे दूर हो जाते हैं, और जिनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो उनको उनको तुम खुशी देखना चाहते हो। जब वे थोड़ा उदास दिखाई देते हैं तो तुम चिंतित होने लग जाते हो, उनके चेहरे पर थोड़ा निराशा दिखती है तो तुम दुखी होने लग जाते हो और पूछते हो, क्या बात है। वे कहते हैं, कोई बात नहीं है, तो तुम कहते हो, कोई बात तो जरूर है, क्योंकि उदास क्यों हो। तुम अपने प्रेमी को उदास देखना नहीं चाहते हो, इसलिए अगर कोई स्त्री चाहती है मेरा पति खुश रहे तो उस स्त्री को खुश रहना चाहिए, और कोई पति चाहता है मेरी पत्नी खुश रहे तो उस पति को खुश रहना चाहिए। पति की खुशी से स्त्री की खुशी पैदा होती है, और नारी की खुशी से उस पति की खुशी पैदा होती है। दोनों की खुशी एक दूसरे से प्रभावित होती है, दोनों में किसी एक को जब उदासी आती है तो दूसरे को भी उदासी आ जाती है। इसलिए जिंदगी हमारी तुम्हारी जुड़ी हुई है, खुश रहने की कोशिश कीजिए ताकि तुमसे जुड़े हुए दर्जनों लोग भी खुश रह सकें और घर में खुशियों के फूल खिल सकें।